उसमें आई थिंक किसी को पर्सनली कॉल करने की जरूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पता होता है, पूरे शहर में ये जो है न्यूज़ फैल जाती है कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है, तो तमाम सारे एम्बुलेंसेज पहुँच जाते हैं. लेकिन अगर घर में खुदा ना खासा या इंडिविजुअल्स को कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 1021 इनका नंबर भी है जहाँ पे आ सकें, डायल 9123. अच्छा, टेली हेल्थ, व्हाट इज टेली हेल्थ? 9123 तो कोई और नंबर भी मुझे दे दिया मेरे प्रोड्यूसर साहब ने. बेसिकली टेली हेल्थ हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है अमन फाउंडेशन का, जहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को ऑन कॉल नीड हो, किसी भी किस्म की इमरजेंसी रिलेटेड या किसी डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपको अपनी हेल्थ के हवाले से कोई बेनिफिट्स मालूम करने हो, तो वो हमारा टेली हेल्थ डिपार्टमेंट है. अच्छा. वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ मौजूद होते हैं, इस हवाले से भी वो पेशेंट उनको गाइड करते हैं. अगर साइको पेशेंट है उसको गाइड करना, या कोई भी पर्सन है उसको किसी डॉक्टर की टाइमिंग मालूम करनी है, डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है, वो गाइड करते हैं. बेसिकली ये बड़ी अच्छी बात है, वो लोग जिनको इमरजेंसी सिचुएशन ना भी हो लेकिन अगर उनको ओवरऑल अपने हेल्थ के बारे में आगाह रहना है, कुछ चीज़ें पता करनी है, तो वो अपने टेली हेल्थ को भी, और ये भी 24 आवर्स, बिल्कुल 24/7 दोनों डिपार्टमेंट है. वाह सर, तो कितने एम्प्लॉयज एक साथ मेरे ख्याल से काम कर रहे होते हैं यहीं पर हमारी खिदमत के लिए? बहुत सारे लोग होते होंगे जी. बिल्कुल, बहुत सारे मिल मिला के तो 100-150 से ज़्यादा ही होते होंगे एट वन पॉइंट, एम्बुलेंसेज को मिला के, RRU सर्विसेज को मिला के. यहाँ पे हमने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, तो फायर इमरजेंसीज, इवैक्यूएशन इन तमाम हॉस्पिटल, सबके नंबर सबकी आपके पास, आई गेस रास्ते में भी आप लोग तकरीबन. बिल्कुल, जैसे अभी हमारा एक नया प्रोग्राम भी शुरू हुआ है इस हवाले से, हीट वेव से रिलेटेड. उसके हवाले से अमन ने जो 11 मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंप्स लगाए हैं हीट वेव से रिलेटेड, और काफ़ी डिफरेंट कैंप्स है ये नॉर्मल कैंप्स के मुताबिक. तो इन हीट वेव कैंप्स में क्या होता है? इन हीट वेव कैंप के अंदर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन से रिलेटेड जो पानी या इस तरह के दूध से मेडिसिन है वो भी मौजूद हैं, और एक कूल रूम भी बनाया हुआ है ये. अगर कोई हीट स्ट्रोक के साथ है और उसको फौरी हवा की या ठंडी जरूरत है हवा की, तो उससे रिलेटेड हमारे जनरेटर्स वाले रूम में फैंस वगैरह भी मौजूद हैं. रमज़ान की भी आमद है, रमज़ान. बिल्कुल, इन सिचुएशन में आप लोग इमरजेंसी का कोई पर्टिकुलर ख्याल रखते हैं कि रमज़ान के महीने में हमें और भी अलर्ट रहना पड़ेगा या और ज़्यादा इमरजेंसीज आएंगी, हीट स्ट्रोक्स भी ज़्यादा होंगी? इमरजेंसीज के हवाले से हमारा जो 24/7 होता है वो एक ही तरीक़ेकार होता है, ये जैसा अभी आपको नज़र आ रहा होगा 24/7 जैसे हम बिजी होते हैं. रमज़ान के अंदर मुमकिन है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि कुछ जो है इमरजेंसी इमरजेंसीज हो गई थी, ये तो तरीके का बिल्कुल यही सेम होता है ये. बिल्कुल, इसी तरह अलर्टनेस तो 24/7 रहती है. एक सर ने कहा कि उसको थोड़ा ही अरसा हुआ है लेकिन एक बहुत ही सक्सेसफुल सी चीज़ रही है. नंबर्स हमने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. एक और छोटी सी ब्रेक लेंगे. आफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने डिटेल में हमें पूरे इस कमरे का पूरा जायजा लिया, दिखाया, बताया गया कैसे चलता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और अब हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है अमन फाउंडेशन के हवाले से. देखते रहिए सुबह के 10, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं सुबह के 10, जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम अमन फाउंडेशन पर मौजूद हैं. बात हो रही है अमन फाउंडेशन के हवाले से कि ये लोग कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम इस रमज़ान और इस रमज़ान से पहले भी हमेशा जो अपनी ज़कात दें या अपने अतियात दें, डोनेशन दें, तो हमें अमन फाउंडेशन की तरफ क्यों ध्यान देना चाहिए. इस वक्त हमारे पास GM मार्केटिंग कम्युनिकेशन फराज सलीम साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सबसे पहले तो आपको सबसे मुश्किल सवाल सबसे पहले ही कर लूँगी मैं. जब हम अमन फाउंडेशन के बारे से बात करते हैं तो हम एम्बुलेंसेज माशाल्लाह हमेशा देखते हैं. कराची में हर शहरी ने इस एम्बुलेंस को देखा हुआ तो है लेकिन इस्तेमाल शायद ना किया हो, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये है कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत महंगा होगा, अंदर से भी इतना अच्छा है, इसके पैरामेडिक्स बड़े प्रोफेशनल लगते हैं, तो हम शायद इसको अफोर्ड ना कर पाएँ. और एक मॉर्निंग शो के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म से, मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए बहुत ही अहम सवाल है, उसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि ये मिसकंसेप्शन है, इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है. अच्छा, तो मैं सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को डिस्पेल कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं जो साहिब इस्तेमाल नहीं होते हैं वो उनसे पैसे लिए भी नहीं जाते. सही, ठीक है. और हमारी जो बेसिक फी है वो स्टार्ट्स एट 300 रुपीज़, 300 रुपये में. बिल्कुल. सो ये जो मिसकंसेप्शन है अबाउट अमन एम्बुलेंस, चूँकि एक हाईएस्ट है, चूँकि क्योंकि इसके लोग पढ़े लिखे लगते हैं, शायद उन्हें कपड़े अच्छे पहने हुए तो हमें लगता है कि महंगा होगा या किसी और तबके के लिए होगा. ये भी आम सी बात है लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है. एक हद तक डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म हमेशा महंगी नहीं होती. बिल्कुल, ठीक है. तो हमने एक सिस्टम जो हमने सिस्टम की बुनियाद डाली है और उस सिस्टम को आपने देखा होगा. बिल्कुल, वी मैनेज्ड एवरीथिंग अराउंड व्हाट वी कॉल आवर प्रोटोकॉल्स. बिल्कुल, उसकी एक सर्टन प्राइस जरूर पड़ती है मगर हम उसे पास ऑन टू द कस्टमर नहीं करते.
बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये भी बताएं कि जब एक दफ़ा एम्बुलेंस निकलता है अपने स्टेशन से तो आप लोगों को कितना खर्चा पड़ता है कि एम्बुलेंस को मेंटेन रखने में, क्योंकि हम लोग इतना डरते हैं लेकिन आगे से जो अंदर चीज़ें हैं, जो सफाई है, जो पैरामेडिक्स हैं इसमें जो इतने कैपेबल हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी तो कुछ एक्सपेंसेस, उनके भी तो कोई खर्चा होता होगा। तो आप अपनी तरफ से कितना डालते हैं और हमें सिर्फ 300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं? हाँ जी, सो हमें अ लिटिल लेस देन 5000 रुपीस पर ट्रिप होता है। तकरीबन 5000 रुपए पर ट्रिप। और दिन में 5 से 6 ट्रिप्स एक एम्बुलेंस लगा, तो एक महीने का अगर हम हिसाब लगा लें तो एक एम्बुलेंस को चलाने में ही, उसको साफ रखने में ही, उसका इक्विपमेंट अप टू डेट रखने में ही कितना खर्चा हो। बट आई थिंक एक वर्ल्ड क्लास एम्बुलेंस और जिस फील्ड में हम हैं उस इसमें पैसे का कोई मूल्य नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डाल के एक बहुत अच्छा मॉडल बनाए, बिल्कुल, और एक ऐसी सर्विस बनाए जो कि लोग रिलाई कर सकें। और जब वो रिलायंस क्रिएट हो जाता है उसके बाद आई मीन इट्स दिस इज अबाउट द हार्ट, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका ईमान यू नो ऐसा है तो देन यू डेफिनेटली नॉट pass on any kind of money. सर, आज हमने अपने शो पे भी यही यू नो डिसाइड किया था कि हम लोगों से अपील भी करेंगे एक हद तक और उनको बताएंगे भी कि क्यों उनके जो ज़कात हैं, उनके जो एहतियात हैं, डोनेशन हैं, वो अमन फाउंडेशन की तरफ उसको रागब करें। यू नो मैं चाहूँगी कि आप भी हमें थोड़ा सा समझाइए कि जब हम डोनेट करते हैं, डोनेट करने का सबसे आसान सबसे बेहतर तरीकाकार क्या है, कितनी रकम इज़ इनफ। एक तो लोगों को उससे भी डर लगता है कि मेरे पास उसे 500 रुपए हैं शायद, या मैं 1000 रुपए से ज़्यादा कोई डोनेशन में एक आम आदमी शायद दे ना सके, लेकिन उसकी उस डोनेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा, तरीकाकार क्या है, और अगर हम डोनेट ना कर सकें कि हम वॉलंटियर कर सकते हैं उनके साथ वगैरह वगैरह। तो इस सवाल के 3 सेक्शंस हैं। मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करूंगा कि इन चंद सालों में एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल को हम चाहते हैं कि जितना बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ ताकि हम कराची की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएँ। अब हमारी इंटरनल एस्टिमेट है कि 250 ऐसी एम्बुलेंस की जरूरत है जैसे आपने देखी, 250 की जरूरत है सब जी। हमारे पास इसका ऑपरेशन, हमारे पास फ्लीट 80 है और 65 एट एनी गिवन टाइम ऑपरेशनल होती है, ठीक है। सो एक रूम है जहाँ पे हम अपनी फ्लीट को एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये हमारी सर्विस पहुँच पाए। सो सबसे पहले तो मैंने नीड बताया कि हमारे पास 18 है और 250 एम्बुलेंस की जरूरत है। फिर आते हैं कि हाउ कैन वी इंटरैक्ट विद अमन, हम किस तरह से अमन फाउंडेशन को हमें हम किस तरीके से रास्ते में रह सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका शहर है, ये हमारा शहर है। अगर हम शहर से ना भी हो, अगर हम कोई कराची वाले बाहर रहते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं में भी कोई भी हो सकता है जो डोनेट करना चाहे। पाकिस्तान का एक हिस्सा है कराची और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस हिस्से में हम जितनी मेहनत करके ये सर्विस पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल। तो जिसका दिल जितने का भी करता है वो ज़कात और अतियात के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकता है। ऑनलाइन हम डोनेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स में डाल सकते हैं। सो हमारे बैंक्स, हमारे डोनेशन बैंक्स हैं HBL और हमारा ज़कात बैंक है मीज़ान। आप किसी भी ब्रांच में जाके बोलें कि अमन फाउंडेशन में हमें जमा कराना है, वो करा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे वेबसाइट पे एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहाँ पे भी जाके जमा करा सकते हैं और डायरेक्ट चेक भी भेज सकते हैं, कैश भी भेज सकते हैं, एनीथिंग। कहते हैं दिल होना चाहिए और नीयत होनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमें सर ने बता ही दिया है कि इनकी फीट कितनी बड़ी है लेकिन इनको मजीद जो है एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है और ये शायद हम लोगों का ही काम है, एक आम पाकिस्तानी का काम कि आए और डोनेट करें और अतियात ज़कात वगैरह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अमन फाउंडेशन की तरफ आगे करें। सर, जब मैं अमन आई थी तो मुझे पता था, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी बताया था कि हम इनके एम्बुलेंसेस के हवाले से बात करेंगे और क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भी पता चले और हम लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। लेकिन उसके अलावा जब मैं इस बिल्डिंग में आई तो मैं माशाल्लाह आई वॉज़ वेरी इंप्रेस्ड। मैंने इस बिल्डिंग का स्केल देखे कि किस स्केल पे काम हो रहा है, सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि एजुकेशन, अमन टेक एक और चीज़ है, टेली हेल्थ एक और चीज़ है, तो कितने कितने सेक्टर्स पे काम हो रहा है और क्योंकि आप GM मार्केटिंग है तो ऑन ग्राउंड किस तरीके से आप इसको यू नो संभालते हैं और किस तरीके से ये पूरा चलता है, तो पहले तो बताइए कि किन किन चीज़ों को आप लोगों ने कवर किया हुआ है। कहीं कोई लोग पढ़ रहे हैं, कहीं लोगों को हेल्थ केयर भी मिल रही है, तो मैं भी थोड़ा सा ओवरवेलम हो गई थी इस ऑफिस में आके। सो आई मीन मेरा एक काफ़ी मैं फ्रीक्वेंटली इसे कहता हूँ कि एनी गुड यू डू इज वन ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, बिल्कुल, और हमें बारिश की जरूरत। सही, अमन के दो मेन फोकस एरियाज हैं, ठीक है, एक तो एजुकेशन एजुकेशन और एक है हेल्थ केयर। जबरदस्त, हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम,
आपने एक एस्पेक्ट देख लिया जो कि अमन एम्बुलेंस, उसके कुछ बाकी एस्पेक्ट्स हैं सही, और वो कॉम्प्लीमेंटिंग सर्विसेज के हैं या मगर डायर नीड के सर्विसेज भी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। अमन का एक सेक्शन है टेली हेल्थ के नाम से, सही, लोग 9123 पे डाल करके बेसिक हेल्थ एडवाइस ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस नहीं हो सकती बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर को फिजिकली देखना होता है पेशेंट को, मगर अगर कोई कैफियत कोई पेशेंट फील कर रहा है तो वो लाइन में मुझे शायद ही मेरा बिल्कुल, और वो एक डायग्नोसिस प्रोसेस के थ्रू जाके उन्हें बता दिया जाएगा कि ये आई मीन पोटेंशियली दिस कुड बी द प्रॉब्लम। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हम अपनी हम बीमार जब तक नहीं होते हमें फिर भी हमारी हेल्थ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो आपको अगर नॉलेज भी कुछ पता भी करना हो, जो लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ कैसे जाएँ, तो यहाँ पर अगर कॉल किया जाए तो फौरन आपको पता चल जाएगा, पता भी चल जाता है, और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि डॉक्टर के पास जाना है तो पेशेंट से पूछा जाता है विसिनिटी क्या है आपकी, उसके लिहाज से उनको बताया जाता है कि ये डॉक्टर करीब है, आप अफोर्ड कर सकते हैं ये डॉक्टर, नहीं कर सकते तो इससे सस्ता डॉक्टर हमारे पास एक डॉक्टर की डेटाबेस में। ठीक है, तो ये हो गया टेली हेल्थ इन अ नटशेल। ठीक है, आपने जो अमन एम्बुलेंसेस देखे जो हमारे ग्रीन यूनिफॉर्म क्लैड अफराद हैं, जो हमारे स्टाफ है वो हमारे ही एक डिवीजन में ट्रेन होता है जिसका नाम है अर्बन हेल्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हम पैरामेडिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स इन हाउस अपने सारे स्टाफ को भी देते हैं, और जो बाहर कॉर्पोरेट से या कोई और हॉस्पिटल से चाहता है तो उसके लिए भी ये ट्रेनिंग ऑफर्ड है। बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, बाय द वे मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं खुद यहां हूं, मैं जीशान में जो प्रोड्यूसर हम यहीं बैठे थे तो जी ये बात हो रही थी कि माशाल्लाह सो इट्स सो प्रॉपर। सो दो एस्पेक्ट्स और मैं बताऊंगा कि एक मेंटल हेल्थ का एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है मशल। अब मशल ये है, इट्स अ फोकस प्रोग्राम जहाँ पे हम कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस करते हैं, और जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं, आर्ट थेरेपी यूज़ करते हैं, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बेसिकली आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी इसको थेरेपी की ज़रूरत है, 90% लोगों को होगी टेंशन स्ट्रेस डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वगैरह, तो ये फोन कॉल पे भी आपकी मदद हो सकती है। नहीं, ये मशल इज़ अ डायरेक्ट इंटरवेंशन, सो कोई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक ऐसी नीड आइडेंटिफाई की जाती है जहाँ पे मेंटल काउंसलिंग की जरूरत होती है, सो वी हैव अ मेंटल काउंसलिंग सेटअप आल्सो। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू स्पीक अबाउट इज हमारे जो दो हैंड इन हैंड प्रोग्राम्स हैं ACHP, ठीक है, व्हिच इज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। वाओ, इट्स अ लार्ज नेटवर्क एंड हम काफी सारे हाउसहोल्ड्स को कैटर करते हैं, एंड दिस इज अबाउट वेल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। एक बार फिर तो बहुत सारे सेक्टर्स पे काम हो रहा है, अमन फाउंडेशन जो है वो माशाल्लाह आई थिंक हेल्थ के अंदर ही इतने सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ हो गया, माँ की अपनी सेहत हो गई, जिसके बारे में हमने लगातार शोज़ किए हैं, और जितने शोज़ किए हैं उतना मुझे एहसास हुआ है कि इन सेक्टर्स में हमें काम करने की ज़रूरत है। और फिर तालीम जो उनका एक पूरा सेपरेट सेक्शन है जिसपे हम इंशाल्लाह एक दिन और पूरा अलग शो ही कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन हम आपकी सेहत पर इससे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि गर्मी के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, और एम्बुलेंसेज के हवाले से आई थिंक इसकी नीड ऑफ द आवर जिसे हम कहते हैं थोड़ी सी इस मौके पर ज़्यादा रहती है। तो अपने जो डोनेशंस हैं एक बार फिर अपने एहतियात डोनेशन ज़कात अमन की तरफ ज़रूर कीजिए। आज हमने शो इसी दायरे में इसलिए किया है कि लोगों को एक अच्छी तरीके से पता चल जाए कि लोग किस तरीके से काम करते हैं, कि हमें भी वो दिलासा मिले कि आगे जब हम अपने डोनेशंस देते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे थोड़ी बहुत और सवाल जवाब जो हमने करना है वो करेंगे ज़रूर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कीप वॉचिंग। बताना भी है, बताना भी है, इतनी हमने बातें की हैं कि आप डोनेट ज़रूर कीजिए। तो जब हम डोनेशंस देते हैं, अपना ज़कात जो है अमन फाउंडेशन की तरफ देते हैं, तो हमें कैसी सर्विसेज मिलती हैं? जिन एम्बुलेंसेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने कराची की सड़कों पर लातादाद मतलब के टाइम्स देखा होगा, आज हमें पता चलेगा कि अंदर से कैसे काम करती हैं, इनके पैरामेडिक्स कितने ट्रेंड होते हैं, इनकी कितनी किस्में होती हैं वगैरह वगैरह। तो शो पे इस बात वेलकम करना चाहूँगी सबसे पहले तो लेडीज़ फर्स्ट, एक ऐसी खातून को जो हमें पहले से ही मदद कर रही है, शो की रिकॉर्डिंग से भी पहले हमने यहाँ पे एक मीटिंग की थी, इनसे आके मुलाकात हुई थी, और आज जितनी हमने रिकॉर्डिंग की है ये हमारे साथ रही हैं, और बाकी में यू नो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने हमें गाइड किया, तो उनका बहुत थैंक यू भी कहना चाहेंगे, उनको वेलकम भी करना चाहेंगे। मारिया पाशा हु इज़ द सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट अमन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आइए आइए
थोड़ा सा क्या हाल है आपका हमारे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो. नो, थैंक यू फॉर हैविंग अस एट अमन. और हमारे के साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेंटलमैन मौजूद हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इन एम्बुलेंसेस की डिटेल क्या है. हारिथ मकसूद साहब हैं, उज़ी असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर शो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज़ वेल सर. सबसे पहले तो माशाल्लाह वी बीन लुकिंग एट द एम्बुलेंस. मैंने एक दो तस्वीरें भी ली इसके साथ, जल्दी से अपने सोशल मीडिया पर भी लगाया, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी एम्बुलेंस को इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा नहीं देखा है. तो सबसे पहले तो आपकी तारीफ करना चाहेंगे कि वाकई में इट लुक्स रियली स्टेट ऑफ द आर्ट. तो जिससे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका कोई फॉर्मूला होता है जिनको आप लोग फॉलो करते हैं कि हमारे एम्बुलेंसेज भी वैसे ही होंगे, वैसी सफाई रहेगी, वैसी हाइजीन रहेगा? जी बिल्कुल. इनफैक्ट ये कराची में, इनफैक्ट पाकिस्तान में ये इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अमन एम्बुलेंस विच कंसिस्ट ऑफ एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट. एंड साथ ही हम इसको इंटरनेशनली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस और क्लीनिंगनेस. तो ये है, मैंने सुना है कि ये कस्टम मेड भी होती हैं स्पेसिफिक, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें बाहर से एक वैन लगती है जो हमें आम शहर में नज़र आती है, लेकिन एम्बुलेंसेस के जो अंदर पूरा सिस्टम होता है वो अलग होता है. इसके इसके मेजरमेंट्स ही अलग होता है अगर ऐसे कहा जाए हम लफ्जों में. सो आर दिस कस्टम मेड फॉर अमन फाउंडेशन? एक्चुअली हम लोग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो हमारी जो सारी एम्बुलेंसेज हैं उनकी इवन द विड्थ समथिंग एज स्मॉल एज जो बंदा रियलाइज नहीं करेगा, तो विड्थ इतनी मैटर करती है. दीज आर ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दीज आर ऑल ISO सर्टिफाइड. सो अगेन अपार्ट फ्रॉम द इक्विपमेंट बट द फैक्ट दैट एम्बुलेंस में स्ट्रेचर जिस तरीके से आता है, उतरता है, चढ़ता है, उसके लिए विड्थ पेशेंट के लिए बैठने की, पैरामेडिक, डॉक्टर, ऑल ऑफ दीज आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी 80 एम्बुलेंसेज हैं जैसे आपने कहा, ये भी है कि हमारी 3 मेन टाइप्स ऑफ एम्बुलेंसेज जी बिल्कुल डिफरेंशिएटिंग ALS, BLS एंड ACLS. तो ALS हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट. वाओ, तो अगर हार्ट अटैक्स केसेस जो हमें बहुत ज्यादा मिलते होंगे उसमें ACLS का ही काम ज्यादा होता है. जी बिल्कुल. इनफैक्ट इमरजेंसी, वो इमरजेंसीज जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से पर्टेन करती है, उनमें हम अपनी ACLS एम्बुलेंस जो है एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट, उन्हीं को हम डिस्पैच करते हैं. और उनमें खास बात यह है कि उनमें डॉक्टर्स मौजूद होते हैं एज वेल एज ये कार्डियक मॉनिटर. कार्डियक मॉनिटर और इसके साथ ही एक और मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिसे AED मशीन कहते हैं. AED मशीन जो है वो कार्डियक पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो ये ACLS एम्बुलेंस में ये चीजें मिल सकती है. और BLS जो है उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होता होगा? बेसिक लाइफ सपोर्ट की क्या कैटेगरी होती है कि अच्छा इनको इसकी जरूरत है? कैटेगरी अल्फा ब्रावो इमरजेंसीज जो होती हैं, जो कि इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती, नॉन सीरियस इमरजेंसीज होती हैं, मगर फिर भी वो रिक्वायरमेंट होती है एम्बुलेंस को हम डिस्पैच करते हैं, तो उनमें हम BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को डिस्पैच करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ नर्स उसमें होता है, फुली ट्रेंड नर्स और ड्राइवर. ये दो लोग नर्स की ट्रेनिंग, ड्राइवर की ट्रेनिंग वो भी अमन फाउंडेशन पे ही होती है. आप किस तरीके से कहते हैं कि ठीक है, बिकॉज ड्राइवर का भी उतना इंपॉर्टेंट होना और नर्स का भी क्वालिफाइड होना, कैपेबल होना बड़ा जरूरी होता है. एब्सोल्युटली. और हमारे यहाँ पे लाइक द होल फिलॉसफी बिहाइंड द अमन फाउंडेशन इज टू हैव सस्टेनेबल बिजनेस सर्विसेज. तो हमारे पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, दे आर ऑल ट्रेन्ड विद इन द अमन फाउंडेशन. हमारी एक अर्बन हेल्थ इंस्टीट्यूट है, UHI उसको कहते हैं. तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हमने ही ट्रेन किए हैं और हमारी तरफ से ही सर्टिफाइड है. और जैसे उन्होंने कहा कि जैसे BLS के केसेस होते हैं, किसी को डिहाइड्रेशन होती है, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, तो उसमें BLS की वैन जाती है. एंड ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, डेल्टा, एको पे जो कोड नेम्स पे चलती हैं उसमें हमारी ACLS जाती हैं. एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो हमने मेंशन नहीं किया है कि हमारी एम्बुलेंसेज में जो सायरन है वो लिटरली बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारी आपको एम्बुलेंसेज नजर आएंगी जो चल रही होती है सायरन पे, पर हमारी जो है शायद एम्बुलेंसेज का फायदा भी उठा रहे होते हैं. तो हमारी जो है जब एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, हमारी इंटरनली हमारे कंट्रोल सेंटर से और हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे जब गो अहेड देते हैं तब भी हमारी सायरन चलती है. हारिस साहब, इस वक्त हमें एक रिक्वेस्ट भी आई है कि थोड़ा सा अंदर अगर हम यू नो एम्बुलेंस का थोड़ा सा जायजा लें और आप हमें समझाएं कि कौन सी चीज है, ये कौन सी कैटेगरी की एम्बुलेंस है जिसको हम इस वक्त दिखा रहे हैं? ये कैटेगरी है ACLS एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट. इसमें कार्डियक मॉनिटर भी रखा हुआ है, मगर कीपिंग दिस कार्डियक मॉनिटर असाइड, जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं उन सब में एक ही जैसे आलात होते हैं, तिब्बी आलात, मेडिकल इक्विपमेंट. फॉर एग्जांपल ये आप लोग ये स्ट्रेचर देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर है. इसके नीचे जो है, सॉरी कैमरा उस तरह, इसके नीचे यहाँ ये स्पाइन बोर्ड है.